चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो प्राप्त होते रहें। दोस्तों हम आज आए हुए हैं रानी सिद्धि टेम्पल झुंझुनू में। तो दोस्तों आज आपको पूरक जो दर्शन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। अभी देखिए आप पीछे साइड में मेरे देख रहे हैं वो है यहाँ पर प्रवेश द्वार, जो कि रानी सिद्धि मंदिर का आगे साइड का पूरा हिस्सा है। इधर से हम प्रवेश करके अंदर की साइड में जितने भी देवी देवता हैं सबके हम दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, धन्यवाद। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है रानी सिद्धि मंदिर झुंझुनू, जो कि झुंझुनू शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। बाहर से आप देखेंगे तो ये किसी महल से कम आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित रानी सिद्धि मंदिर जो है वो शहर के बीचों बीच स्थित है और झुंझुनू का प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी वगैरह आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं आराम से, बहुत सारी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाहर से देखने पर यह मंदिर किसी राजमहल से कम यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। पूरा मंदिर दोस्तों संगमरमर से निर्मित है और पार्किंग की भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। और मंदिर आपको लेके चलता हूँ, बहुत ही अच्छी शानदार चित्रकारी वगैरह है इसके अंदर और बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। बाहर से आप देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पर यह महल दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और टाइम टू टाइम इसमें काम होते रहते हैं। जैसे कि आप पास से देख रहे हैं यहाँ पर स्कूटर वगैरह बाइक्स वगैरह की पार्किंग साइड में की गई है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों रानी सिद्धि मंदिर स्कूल भी है और राइट हैंड साइड में दोस्तों बहुत सारी स्टाली लगी हुई हैं, पुचके वगैरह या मिठाई वगैरह या जो भी कुछ है, टिकिया वगैरह, जो भी आप कुछ खाना चाहें, मिठाई लेना चाहें तो आप दोस्तों आसपास से ले सकते हैं। यहाँ पर मिठाइयों की भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं और यहाँ पर कलाकृतियाँ देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। और दोस्तों इसमें हमेशा काम जो है वो चलता ही रहता है, कभी किस चीज़ का कभी किस चीज़ का, बहुत ही ध्यान इसमें रखा जाता है। बहुत ही अच्छा भव्य ये मंदिर है और जितने भी महंगे मंदिर हैं दोस्तों उन महंगे मंदिरों में ये भी एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो एक राजमहल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, कितना लंबा यहाँ पर है ये। तो दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, सारी व्यवस्था है मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हम एंट्रेंस में अब अंदर आ गए हैं। दोस्तों पूरा मंदिर आप जैसे कि देख रहे हैं अभी सुसज्जित है, बिल्कुल अच्छी यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। ये यहाँ पर दोस्तों प्रवेश द्वार है और इस द्वार से हमें यहाँ पर अंदर जाना होता है, जिसको ब्रज द्वार के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों साइड में खाने पीने की व्यवस्था है और यहाँ पर दोस्तों कैंटीन भी है, जिसमें आप कोई भी आपकी इच्छा अनुसार जो भी चीज़ें हैं, डोसे वगैरह हैं या इडली वगैरह जो भी है वो खा सकते हैं अंदर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल से देखिए चारों तरफ खूब स्पेस है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और भ्रमण भी दोस्तों कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ पर बीच में लगा हुआ गणेश जी, जो कि रात को कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि आप अभी इस फोटो में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो अभी दिन में शूट किया गया है तो ये आपको अभी चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, नहीं तो इसमें फुहारे चलते हैं। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पर पास में अंदर एंट्रन करें उससे पहले यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर है दोस्तों छोटे छोटे, जिसको मैं अभी आपको साथ में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मंदिर में शनिवार और रविवार को ख़ास तौर पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो रहती है और बाकी टाइम में दोस्तों भीड़ कम रहती है। रानी सिद्धि जी का मंदिर जो है वो दोस्तों 400 साल पुराना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये मंदिर जो है वो सम्मान, ममता और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। देश भर के भक्त जो है वो रानी सिद्धि मंदिर के लिए दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर विशेष प्रार्थना के लिए भाद्रपद माह की अमावस्या पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान है उसमें दोस्तों हिस्सा लेना चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये यहाँ पर दोस्तों शिव जी का मंदिर है और बीच में हनुमान जी का मंदिर है। दोनों साइड में दोस्तों शिव जी के मंदिर हैं और बीच में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जो मैं अभी आपको पास से दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर अपन चलेंगे तो इसके अंदर अपने को बहुत सारी 16 देवियों की मूर्तियाँ भी अपने को दिखाई देगी, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप देख रहे हैं सामने, ये यहाँ पर दोस्तों शिव जी का मंदिर है, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुसज्जित मंदिर है। और ऊपर की साइड में भी आप देखिए, इसमें पानी की व्यवस्था भी हमेशा के लिए की गई है, इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता। ऊपर की साइड में आराम से इसमें पानी वगैरह जो है वो आता रहता है, शिव जी के ऊपर बराबर दोस्तों इसमें पानी जो है वो गिरता रहता है। अच्छी दोस्तों मंदिर की व्यवस्था है। अभी अपन ने एंटर नहीं किया, उससे पहले ही दोस्तों बाहर की साइड में मंदिर हैं। जब अपन एंट्रेंस द्वार से अंदर की साइड में जाते हैं तभी मंदिर आते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर दोस्तों और है, जो कि सुसज्जित है बहुत अच्छा, सारे संगमरमर से निर्मित यहाँ पर आपको कलाकृतियाँ दिखाई दे रही हैं।
ये दोस्तों अपन अब अंदर के साइड में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ये जो है सारी सारी देवियाँ जो हैं उनको सुसज्जित किया गया है अलग अलग जगह के हिसाब से। मैं भी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों इधर की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। शिव जी की बहुत बड़ी कलाकृति है, बहुत अच्छी यहाँ पर प्रतिमा है जो कि आप देख पाएंगे, तो आप ज़रूर देखिए जब अंदर की साइड में जब आप आओ यहाँ पर। राजस्थान के मारवाड़ी लोगों का दृढ़ विश्वास है कि रानी सती जी जो है वो स्त्री शक्ति की प्रतीक और माँ दुर्गा का अवतार थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ रानी सती मंदिर झुंझुनू। दोस्तों आप पीछे साइड में देख रहे हैं जो कि गुंबज है रानी सती मंदिर का, और ये यहाँ पर नवग्रह हैं सारे के सारे जो कि आप देख रहे हैं, जिसके दर्शन मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ सभी के। तो दोस्तों ये एंड साइड आ जाती है जिसमें नवग्रह हैं, और पीछे साइड में जो रानी सती टेम्पल है पूरा का पूरा वो आ जाता है, और इधर की साइड में म्यूजिकल सिस्टम है जिसके अंदर लाइटें जलती हैं रात के समय में। पीछे साइड में आप देख रहे हैं जिसका मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ सारा का सारा। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, सारा सारा जो वीडियो है वो देखते रहिए। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी चलते हैं मंदिर के आधे भाग की ओर की तरफ, क्योंकि दोस्तों इधर की साइड में आगे हैं, पीछे की साइड में इधर की साइड और है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत बड़ा दोस्तों मंदिर है और आप पूरे पूरे दर्शन जो है कर पाएंगे नवीन सोनी सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं और आगे की तरफ। दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर है पूरा पूरा, जिसमें अभी थोड़ा कार्य यहाँ पर चल रहा है। गुंबज आप देख रहे हैं पहले दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अभी गुंबज का कार्य मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कार्य जो है वो हमेशा चलता रहता है दोस्तों, तो इसमें कार्य कभी रुकता नहीं है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था कि जो रानी सती जी जो है उन्होंने जो मंदिर है वो इसलिए प्रसिद्ध हुआ दोस्तों क्योंकि उन्होंने खुद सती होकर और जो भी अपने पति उनके हथियारों का यहाँ पर नाश किया था और खुद सती हो गई थी। रानी सती जी का मंदिर है दोस्तों वो अमीरों के बहुत सारे मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। वैसे अब मंदिर का प्रबंधन जो है वो सती प्रथा का बिल्कुल से विरोध करता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह जो है वो दोस्तों उसके अंदर भारत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ भी है। कभी आप अंदर की साइड में जाओगे तो देखोगे कि हम सती प्रथा का विरोध करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूजिकल सिस्टम है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो शाम के समय यदि आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों साउंड भी चलता है, और जो पानी है उस पानी के साथ साथ में इसमें दोस्तों जैसे जैसे साउंड होता है वैसे डांसिंग जो होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब फुहारा चलता है, बहुत ही अच्छी। चारों तरफ यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं सीढ़ियों के ऊपर। कभी आप आओ तो 7 से 8 के बीच में आइए, तो दोस्तों शाम के समय बहुत अच्छा यहाँ पर नज़ारा रहता है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये भव्य व्यवस्था है। मंदिर का समय जो है दोस्तों वो 5 बजे से सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक का रहता है, और शाम को दोस्तों 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये मंदिर जो है वो खुला रहता है। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित रानी सती जी का मंदिर जो है दोस्तों सब मंदिरों में से एक है जो बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर हैं। पूरा पूरा मंदिर संगमरमर से निर्मित है, इसकी बाहरी दीवार जो है वो दोस्तों शानदार रंगीन चित्रकारी से सुशोभित की गई है। मंदिर में शनिवार और रविवार को बहुत अच्छी भीड़ रहती है, तो दोस्तों ध्यान रखिए। और रानी सती जी के परिसर में दोस्तों बहुत सारे मंदिर है जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। रानी सती जी स्त्री शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा का अवतार थी, और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं, और जैसे जैसे उनकी मान्यता बढ़ती गई दोस्तों वैसे वैसे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर जो है वो बढ़ते गए। दोस्तों ये नवग्रह हैं सारे सारे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल पास से सारे सारे मंदिर। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इस सामने शनि महाराज का मंदिर है जो नवग्रह में से दोस्तों एक है शनि देव जी, तो सैटरडे को दोस्तों इसमें भी बहुत भीड़ रहती है, तेल वगैरह लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं आकर। ऐसे जितने भी दोस्तों ग्रह हैं वो सारे सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप इस मंदिर में पहुँचे उसके लिए आपको झुंझुनू के बस स्टैंड से रानी सती मंदिर के लिए ऑटो रिक्शा ले लेना है यदि आप ऑटो रिक्शा से आते हैं, और जो झुंझुनू का बस स्टैंड है उससे दोस्तों इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। ऑटो रिक्शा वाले जो हैं दोस्तों वो लगभग अभी फ़िलहाल 15 रुपये के आसपास किराए लेते हैं। रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से दोस्तों मंदिर की दूरी लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी दोस्तों। वहीं शहर के गांधी चौक जो है उससे दूरी लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर पड़ती है, और इसमें आप यदि रुकना चाहो दोस्तों रात को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर रानी सती मंदिर के स्वागत कक्ष में
आवास जो है उसके रहने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप पर्ची कटाकर यहाँ पर रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खाने की व्यवस्था भी है दोस्तों, स्टॉल वगैरह सब यहाँ पर लगी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर भव्य मंदिर है, आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फील होगा। आपने अभी देखे हैं सारे सारे नवग्रह हैं जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मंदिर परिसर में ज़रूर आइए और अपना जो कीमती समय है वो कुछ से देर के लिए माता रानी के चरणों में ज़रूर समर्पित करें। ये मैं आपको अभी नवग्रह दिखा रहा हूँ सारे के सारे। दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रतिमाएँ जो हैं वो सुशोभित की गई है। और दोस्तों कहा भी गया है कि पति प्रेम की निशानी जो होती है वो है यहाँ पर रानी सती मंदिर, क्योंकि उन्होंने अपने पति के लिए अपने प्राण जो है वो निछावर किए थे। भारत जो है दोस्तों उसमें मंदिरों का खजाना है, देवी देवताओं से लेकर जानवरों तक के यहाँ पर जो मंदिर है वो समर्पित हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप गाड़ियों वगैरह की पूजा की जा सकती है। आपने देखा है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे भी बने हुए हैं जिसमें गाड़ी वगैरह की भी पूजा होती है। तो जैसे अमरनाथ आपने देखा है तो उसमें बाइक की पूजा होती है। तो दोस्तों जानवरों से लेकर गाड़ियां वगैरह जो भी हैं वो सब की यहाँ पर पूजा जो है वो अपने भारत देश में होती है। तो जैसे वो अपने अपने कारणों से दोस्तों प्रसिद्ध हुए हैं और चलते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी के सभी नवग्रह हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप चल रहे हैं वापस मंदिर परिसर की तरफ। कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों मंदिर जब ये शाम के समय दिखाई दें, तभी तो दोस्तों थोड़ा काम चल रहा है गुंबज का। मैंने अभी आपको बताया कि पूरा संगमरमर से निर्मित है और बहुत ही अच्छा भव्य दोस्तों ये मंदिर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों आना बिल्कुल आसान है, टैक्सी वगैरह से आ सकते हैं। खुद की गाड़ी दोस्तों आपके पास है तो आप जो दिल्ली जयपुर हाईवे है यदि वहाँ से यदि आपको आना है तो 3 नंबर रोड से 2 नंबर, 2 नंबर से 1 नंबर रोड होते हुए गांधी चौक का एड्रेस पूछिए और वहाँ से दोस्तों मात्र 1 किलोमीटर यह मंदिर पड़ जाता है। आप जो गूगल ऐप है उसका भी सहारा ले सकते हैं, तो मैप के द्वारा भी दोस्तों आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये यहाँ पर मंदिर की बैक साइड का नज़ारा है, यहाँ से भी लोग अंदर की साइड में एंट्रेंस होते हैं। और इधर की साइड में दोस्तों ये 16 जो देवियाँ हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, 16 देवियों के जो मंदिर हैं वो दोस्तों यहाँ पर सुशोभित हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पर सारी जो कुल देवियाँ हैं वो दोस्तों यहाँ पर हैं। तो इसके अंदर दोस्तों कई मंदिर और भी हैं, जैसे शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, माता सीता राम जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है। और इसके अलावा 16 कुल देवियाँ हैं जिनकी मूर्तियाँ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो भी आप यहाँ से देखेंगे। उसके आगे की साइड में अपन लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो स्त्री शक्ति का प्रतीक जो है वो है रानी सती मंदिर, और इसमें आप जितने भी देखेंगे लगभग मूर्तियाँ वो देखिए यहाँ पर माता जी की हैं। बिल्कुल मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ सारी मूर्तियाँ, आप देखते जाइए। समय दोस्तों मैंने बता दिया है, मंदिर जो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुलता है तथा शाम को 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों यहाँ पर आप कभी भी आएँ तो निकर वगैरह पहन कर ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश जो है वो वर्जित है। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आएँ। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गणेश जी का मंदिर है, आप देख रहे हैं। तो अभी आपने देखा है टोटल 16 देवियाँ, जिसको अपन बोलते हैं षोडश माता का मंदिर। पूरा का पूरा दोस्तों एक परिसर में बना हुआ है ये मंदिर। और ये आप देख रहे हैं इधर की साइड में दोस्तों, ये है यहाँ पर जो हवन यज्ञ करते हैं उसके लिए व्यवस्था की गई है। जो भी कोई हवन यज्ञ कराना चाहे तो दोस्तों यहाँ से करवा सकते हैं, इस साइड से। बहुत ही अच्छी यहाँ पर हवनशाला जो है वो निर्मित की गई है। ये देखिए यहाँ पर इसमें दोस्तों हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, इसके लिए दोस्तों पहले से बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है कैसे आपको हवन यज्ञ वगैरह करवाना है। ये दोस्तों मंदिर का सबसे एंड पोर्शन है, बैक साइड सबसे एंड जो दीवार आती है उसके पास में दोस्तों ये बना हुआ है। जब आप मंदिर से सीधे अंदर की साइड में आते हैं बिल्कुल मुड़े हुए, तो दोस्तों ये हवन जो यज्ञशाला है वो आपको दिखाई देती है। ये दीवार जो दोस्तों आप देख रहे हैं वो मंदिर की सबसे एंड की दीवार है इधर की साइड में, इसके उधर की साइड में मंदिर नहीं है, ये एंड दीवार यहाँ पर आ गई है। के बाद दोस्तों ये देखिए कि हवनशाला भी दोस्तों बहुत बड़ी बनी हुई है, इसमें काफ़ी हवन हो सकते हैं। देखिए अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर संगमरमर से निर्मित जो दीवारें हैं वो की गई हैं।
हम चल रहे हैं बिल्कुल दोस्तों दीवार के बिल्कुल पास की तरफ से। ये देखिए ये एंड दीवार है जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से होते हुए हम अभी अपन चलेंगे नारायण जी के मंदिर की तरफ। इधर की साइड में आप देखेंगे, इधर जो ही अपन घूम गए आप सामने से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, मैं अंदर से आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। तो इसमें साक्षात लक्ष्मी नारायण जी जो है वो विराजमान है। मैं बिल्कुल आपको पास से यहाँ से दर्शन करवा रहा हूँ, दर्शन कर लीजिए। ये आप सामने देखिए तो बिल्कुल साक्षात यहाँ पर कन्हैया विराजमान है। आप यहाँ पर दर्शन कीजिए और अपना जो जीवन है उसको सफल बनाएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पर मनोरम दृश्य होता है। अमावस्या के दिन तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप अमावस्या के दिन आते हैं तो दोस्तों आपको भीड़ भाड़ से गुजरना पड़ता है, जबकि खाली टाइम आते हैं तो यहाँ पर इतनी कोई भीड़ जो है वो दोस्तों आपको दिखाई नहीं देती है। मैंने आपको बताया 400 साल पुराना दोस्तों मंदिर है, लेकिन दोस्तों लग नहीं रहा क्योंकि इसमें बराबर कार्य जो है वो चलते रहते हैं और मंदिर जो है उसका जो रख रखाव वो दोस्तों टाइम टू टाइम यहाँ पर होता रहता है। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती है। ये आप देखिए दोस्तों यहाँ पर नवग्रह है, मैंने अभी आपको दिखाए थे, मैं अंदर की साइड से आया था और इधर की साइड में नारायण जो मंदिर है वो आ गया है। तो इधर से होते हुए दोस्तों मैं आपको बाहर की साइड से और दिखा देता हूँ कि ये मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। 16 देवियों का जो कुल देवी है उनका मंदिर। मैं वापस बैक साइड में जा रहा हूँ इधर की साइड में, क्योंकि आप बिल्कुल सामने से आओगे तो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से होके आना पड़ता है। मंदिर की साइड से यदि आप जाते हो तो पहले मंदिर के दर्शन करो, फिर वहाँ पर म्यूजिकल जो सिस्टम है वो आप देखिए। वहाँ पर वो पानी के अंदर जो म्यूजिक लगा हुआ है उस वो फुहारे चलते हैं वो आप देखिए। फिर आगे जाके जो कुल जो नवग्रह हैं उनके दर्शन कीजिए, फिर कुल देवियाँ जो भी हैं उनका दर्शन कीजिए। फिर दोस्तों आप इधर की साइड से वापस आ सकते हैं और उधर की साइड में आप जाओ तो नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं, हवनशाला के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर मंदिर है, भव्य मंदिर, जो कि महल से आपको कम यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। ये देखिए अभी आप देख रहे हैं कुछ जो देवियाँ थी अभी मैंने आपको बताई थी सारी, वो कुछ इस प्रकार से ये मंदिर दिखाई देता है दूर से। और ये देखिए दोस्तों इधर की साइड में हम मंदिर के अभी बिल्कुल पास और आ गए हैं इधर की साइड में। और दोस्तों अंदर के साइड में जो मंदिर परिसर है, अंदर मंदिर जहाँ पर माता जी की साक्षात विराजमान है, वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचना वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों उसका बिल्कुल से पालन करते हुए ये वीडियो जो है बिल्कुल से बनाया गया है। आप अंदर की साइड में जाओ तो साक्षात दर्शन करके आएँ। मैंने ये वीडियो जो है बाहर से निर्मित किया है। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए दोस्तों अभी इधर की साइड से अपन चलते हैं तो मंदिर के आप दर्शन करने के बाद में बाहर की साइड में आओ तो आपको ये लंबी कतार दिखाई देगी। इसमें सारी सारी जो माताएं हैं उनके गुम्बद जो है वो बनाए गए हैं इस गैलरी से होते हुए। और आप धीरे धीरे यहाँ से होते हुए जा सकते हैं दर्शन करते हुए। बहुत लंबी कतार में ये बहुत सारे मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आप कतार से करते हुए आप आगे से आगे जा सकते हैं। इसको अपन षोडश मातृका भी कहते हैं सभी को। जो भी है अपन इस साइड से अपन जा रहे हैं और जाने के बाद में और आगे से आगे दर्शन करते हुए अपन जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप हाथ जोड़ते हुए जा रही है और आपके पास जो भी दान दक्षिणा है वो आप देकर यहाँ पर अपना जीवन जो है वो उज्जवल बना सकते हैं दर्शन करते हुए। दोस्तों आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप में आस्था नहीं है तो आप घूमने के पर्पज़ से आ सकते हैं, और यदि आस्था है तो आस्था के साथ आप यहाँ पर आइए। देखिए सब लोग आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और अपना जीवन जो है वो सफल बनाते हैं। यहाँ से होके आपको बाहर निकलना है। ये देखिए यहाँ से आउटर की साइड में आपको निकल जाना है। अब ये आउटर है तो दोस्तों बिल्कुल से जो मंदिर के नियम हैं उनका पालन करते हुए ये वीडियो जो है वो बनाया गया है नवीन सोनी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर की साइड में बैठने की बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था है। चप्पल वगैरह यहाँ निकाल रखी है लोगों ने, लेकिन दोस्तों अपने को चप्पलें वहीं निकालनी चाहिए जहाँ पर चप्पलों की उचित व्यवस्था बनाई गई है। हर कहीं पर चप्पलें न निकालें। ये फुहारा दोस्तों बहुत अच्छा चलता है शाम के समय में। ये वीडियो दिन के साइड में अभी दोस्तों शूट किया गया है, तो शाम को कभी आप आओ तो यहाँ पर आपको लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर यहाँ का भव्य नज़ारा दिखाई देगा। अभी अपन इस द्वार से अंदर गए थे, इसी द्वार से अपन बाहर की साइड में आ गए हैं। ये पूरा का पूरा दोस्तों महल जैसा दिखाई दे रहा है। ये गणेश जी जो है इसमें से चारों तरफ से पानी का फुहारा चलता है, अभी मैंने दिखाया था। ये वो मंदिर आ गए हैं जो
जिस मंदिर से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दर्शन करवाए थे। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, आप रानी सती मंदिर जो है पूरा पूरा देख रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो हैं वो प्राप्त होते रहें, क्योंकि दोस्तों मैं लेके आता हूँ आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो, आप इसमें देख सकेंगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ कुलदेवियाँ वगैरह। दोस्तों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने सब प्रकार के जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जैसा आपको वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। मैंने कुलदेवियाँ जो हैं उनकी और अन्य प्रकार के जो भी माताजी वगैरह के मंदिर है सबको मैंने दोस्तों इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट से देखकर आप मंदिर परिसर में अंदर आइए और आप दर्शन कर सकते हैं अलग अलग देवी देवताओं के, जहां पर आप जिसका आपको दर्शन करना है प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैंने लगभग मंदिर जो वह कवर किए हैं आसपास के, ये देखिए दोस्तों आप बाहर के साइड में कुछ इस प्रकार का नज़ारा जो रानी सती टेम्पल है उसका दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों अपन बाहर की साइड में वापस आ गए हैं और ये देखिए महल जैसा सुशोभित आपको ये मंदिर जो है वो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। तो दोस्तों पार्किंग की अच्छी व्यवस्था और रुकने की अच्छी व्यवस्था और घूमने की अच्छी व्यवस्था, दोस्तों तन मन सब यहाँ पर निर्मल हो जाता है जब आप यहाँ पर आते हैं। गाड़ियों की अच्छी सी पार्किंग है यहाँ पर, गाड़ियाँ वगैरह पार्क करके और अंदर की साइड में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बसें भी आती हैं, लोग बहुत सारे एक साथ आते हैं श्रद्धालु, और यहीं पर ही खाना बना सकते हैं। साइडों में बहुत सारी जगह पर खाना बनता है यहाँ पर, और साइडों में खाना बनाइए, मंदिर के दर्शन कीजिए और खाना खा लीजिए। यहाँ पर पंगत के हिसाब से बैठ कर भी आप खाना वगैरह खा सकते हैं। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो बिल्कुल से पसंद आ गया होगा। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो आप नवीन सोनी सर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें।